क्लास सिक्स साइंस की बुक का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं देखिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर कर लीजिएगा। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठ जाइए, जो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ना। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए और देखिए, ऑब्जर्व करिए कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। तो अगर आप लोग बिल्कुल स्टिल बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप जो अपनी आँखें हैं उनको टिमटिमा रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, बंद हो रही हैं वो अपने आप। ऑब्जर्व मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, जब आप सांस ले रहे हैं तब अपनी बॉडी में कैसा मूवमेंट हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन योर बॉडी, तो आपकी बॉडी में कई सारे मूवमेंट हमेशा चलते रहते हैं। वेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर मूविंग, जब आप लोग लिख रहे हैं तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, हाथ मूव कर रहे हैं। और वेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल। तो आप एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी जैसे कि आपने अपना सर हिलाया, अपनी आँखों को मूव किया, तो अगर आप एक जगह पर बैठे हुए हैं ना, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी के काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू स्कूल अराउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। तो मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि आप स्कूल के बाद घर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, कूदते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते हैं। तो लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से मूव करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ये टेबल 8.1 है, इसमें बताया गया है। देखिए काओ जो है वो लेग से जाती हैं वॉक करते हुए, ह्यूमंस भी लेग से जाते हैं वॉक करते हुए, स्नेक तो पूरी की पूरी बॉडी करता है मूव, और वो स्लिदर करता है, स्लिदरिंग करता है, स्लिदर। आपको कुछ और याद आया होगा शायद कोई मूवी का, है ना। देख अगर आया है तो ज़रूर बताएगा कमेंट पे। इसमें ये सारी की ये सब करते हैं और ये सारे एनिमल्स काम करते हैं। जैसे कि बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स तो अपने विंग्स से उड़ती हैं, पूरी की पूरी बॉडी मूव करती हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम, दीज आर ओनली फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कई तरीके के। स्लिदर करता हुआ सांप चलता है, और कैंगरू जो होता है वो तो हॉप हॉप करता है, और काफ़ी सारे जानवर अपने लेग से चलते हैं। तो कई सारे बर्ड्स उड़ती हैं, तो कई सारी वेज होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करती है। तो वाई आर दी सो मैनी डिफरेंट इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट क्यों हैं, बर्ड्स फ्लाई क्यों करती हैं, और जो सांप है वो रिंग रिंग के क्यों चलता है, इसका आंसर हम लोग इसमें चैप्टर में ही देखेंगे। वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लिदर्स और क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम्स, ऐसा क्यों होता है कि फिश स्विम करती है, सांप रेंगता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी कैसी होती है और उसके कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं, तो लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ योर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद। आप अपने मूवमेंट जिस तरीके से आप लोग मूव कर रहे हैं उसको ही ध्यान से देखते हैं, बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वैरायटी ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स को देखने से पहले हम लोग खुद को देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे मूव करते हैं। क्या आप लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज करना स्कूल में पसंद है? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस? जो आप लोग डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं वो करते हुए आप लोग अपना हाथ, अपने पैर किस तरीके से मूव करते हैं, ट्राई कुछ मूवमेंट करिए जो आपकी बॉडी कर सकती है। बॉल एंड इमेजिनरी बॉल, मतलब बॉल करिए आप, उधर फेंकते हैं इमेजिनरी बॉल को फेंकिए और इमेजिनरी विकेट पर। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? तो आप अपना हाथ ऊपर उठा करके आगे फेंकते हैं, अभी करके देखिए। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आप लोगों ने अपने हाथ को सर्कुलर गोल गोल घुमाया है ये करने के लिए? और क्या आपका जो शोल्डर है, आपका जो कंधा है, वो भी आपने मूव करा है? फिर कहा जाता है कि लेट जाइए, लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, और वो अपना सर्कल करिए लेट करके, पैर को घुमाइए जो योग में भी करते हैं। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी, अपने जो आर्म है हाथों को भी मोड़ लीजिए और अपने पैरों को भी मोड़ लीजिए। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, और इधर उधर अपने आर्म्स को स्ट्रेच करिए। तो बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, फिर अपने आर्म को घुमाइए और अपने फिंगर्स को टच करिए शोल्डर। तो ये सारे के सारे ना देखिए मूवमेंट्स बताए गए हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं।
तो फिर बोला गया है कि अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आप लोग मूव करिए, और उनको मूव करने के बाद इस टेबल में, ये जो टेबल है ना, यहाँ पर फिल करने की कोशिश करिए, ये इसमें बोला गया है। फिर वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ईजिली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ऐसा क्यों है कि आप अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को तो बहुत सारी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बट कुछ पार्ट ऐसे हैं कि आपको उन्हें, उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं, आप उनको हर तरफ मूव क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि आपकी गर्दन है, आपकी गर्दन आप ऐसे जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वो पूरी आप गोल गोल नहीं घुमा सकते हैं ना गर्दन को, मतलब अपनी गर्दन को आपकी आंखें आगे हैं तो घुमा करके ऐसे नहीं घुमा सकते अपनी गर्दन को कि आपकी आंखें पीछे भी हो जाएं, है ना। बहुत सारे हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं आप उनको, आपका वो है मुंह है आपका, तो आप सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको, जो आपका जॉ होता है। तो ऐसा क्यों होता है इस, यही हम आगे भी देखेंगे इस चैप्टर में। एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म। तो इस तरीके से लेंथ के उसमें अपनी आर्म में एक स्केल को आप रखिए, सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। तो आपकी जो एल्बो है ना ये सेंटर में हो, इधर और इधर बराबर होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को ये स्केल पुट करना है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल, अपने फ्रेंड से कहिए कि इसको स्केल को बांध दें। एंड योर आर्म टुगेदर, नाउ ट्राई टू बेंड द एल्बो। तो आप इसके बाद आपने ऐसे करके स्केल ऐसे बंधवा लिया और फिर यहाँ से बंधवा दिया, स्केल यहाँ से रखा और स्केल को इधर इधर से बांध दिया। क्या अब अपनी एल्बो हिला सकते हैं? तो अब हम नहीं हिला पा रहे हैं। तो डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आर बॉडी इन प्लेसेज वी आर टू पार्ट्स ऑफ आर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। तो क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हम अपनी बॉडी को वहीं, बॉडी के उन्हीं पार्ट्स को हिला पाते हैं जहाँ पर दो हमारी बोन्स होती हैं, जैसे कि हमारे हाथ के देखिए ना कोहनी होती है, जिस जगह पर कोहनी जैसा कोना जैसा होता है ऐसे ही आपके घुटने होते हैं। इसलिए आप अपने अपर पार्ट को और लोअर, अपर वाला जो आपका आर्म है या फिर अपर वाला लेग है उसको लोअर वाले आर्म या लेग से मूव कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए। अच्छा ये देखिए, ये आपके, आपका इधर से ऊपर ये अपर आर्म है और ये वाला लोअर आर्म है। तो आप इसको मूव क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके बीच में गैप होता है हड्डियों के। इसमें यही बताया गया है कि आप लोग अपने एबल टू बेंड और रोटेट आर बॉडी इन प्लेसेज वेयर टू पार्ट्स ऑफ आर बॉडी सीम टू जॉइंट टुगेदर। दो पार्ट बॉडी के जब जॉइंट होते हैं ना तभी हम उनको मूव कर पाते हैं, लाइक हमारी एल्बो हो गई, हमारा शोल्डर या फिर हमारा नेक, थोड़ा बहुत ही हम मूव कर पाते हैं। दीज प्लेसेज आर कॉल्ड जॉइंट्स। तो जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ रही होती हैं उनको हम जॉइंट कहते हैं। कैन यू नेम सम मोर जॉइंट इफ़ आर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स? अगर हमारी बॉडी में जॉइंट नहीं होते तो हमारी बॉडी क्या इतनी फ्लेक्सिबल होती, क्या मूव कर पाती? नहीं कर पाती। वॉट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स? इन जॉइंट्स पर एक्चुअली क्या जुड़ा हुआ होता है? प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, अपनी उंगली को अपने सर पर दबाइए। फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द सोल्जर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। तो आपने फिंगर को अपने सर पर दबाइए, अपने मुंह पर, हर जगह दबाइए। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? तो आपको क्या कुछ हार्ड हार्ड लगता है जब अपनी फिंगर्स को दबाते हैं अपने सर पर, अपने मुंह पर, अपने हाथ पर? तो आपको क्या इसके अंदर कुछ हार्ड दिखता है? द हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स, ये जो हार्ड हार्ड होता है ना ये हमारी हड्डियाँ होती हैं, ये हमारी बोन्स होती हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मेनी बोन्स। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, बोन्स को ना आप मोड़ नहीं सकते हो। सो हाउ डू वी बेंड आर एल्बो, हम हड्डियों को नहीं मोड़ सकते, फिर हमारी जो एल्बो होती है, हमारा जो हाथ होता है, इसको हम लोग कैसे मोड़ सकते हैं? इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आर रिस्ट। रिस्ट होता है हमारा हथेली, देखिए ये हाथ है सपोज करिए, मतलब ऐसा हाथ मैं सिर्फ सपोज करवा रही हूँ आपको, इस तरीके से है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा अपर हैंड होता है, और ये जो होता है ना हथेली, इसको हम लोग रिस्ट कहते हैं। तो हमारा पूरा हाथ ना एक ही हड्डी से नहीं बना हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी होती है और यहाँ से आगे एक हड्डी अलग होती है, तो इसी वजह से हम अपने हाथ को मूव कर पाते हैं। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आर रिस्ट, अपर आर्म से रिस्ट तक एक ही बोन नहीं होती है बल्कि यहाँ पे जॉइंट होता है। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो, तो एल्बो जो हमारी कोहनी होती है ना उसको एल्बो कहते हैं। तो एल्बो में हमारी दोनों हड्डियाँ आकर के मिल रही होती है। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट।
तो हमारी बॉडी में, जैसे हमारी एल्बो में है, ये हमारी एल्बो होती है, देखिए ये ऐसे करके हमारा हाथ है ना, ऐसे करके तो नहीं होता है हाथ, हाथ ऐसे करके होता है, ऐसे करके। तो यहाँ पर एक जगह पर फिर ऐसे मोड़ सकते हैं ना, ये वाला इधर वाला पार्ट एल्बो होता है, तो एल्बो पे मोड़ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमारी बॉडी में दो हड्डियाँ मिल रही होती हैं, वहीं पर आप उस पार्ट को ही मूव कर सकते हैं, वरना और कोई बॉडी का पार्ट आप मूव नहीं कर सकते हैं, तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो वी कैन बेंड और मूव आर बॉडी ओनली एट दोज पार्ट्स वेयर बोन्स मीट, जहाँ पे बोन्स मीट करती हैं ना, वहीं पर हम लोग अपने हाथ को बेंड कर सकते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। तो हमारी बॉडी में कई टाइप के, अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। अलग अलग टाइप के हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग मूवमेंट्स कर पाते हैं।